नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित दुर्गाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दर्द को खत्म करने के लिए जो महानारायणी तेल बाजार में जो उपलब्ध है उससे कई गुना अधिक महत्वपूर्ण और बहुत बेहतरीन तेल। क्योंकि दोस्तों, जब हम खुद अपने हाथों से कोई चीज बनाते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी पावर है, उसकी तुलना कहीं किया ही नहीं जा सकता। बाजार में उपलब्ध जो दवाइयां हैं वो इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं होता। आप जानते हो आजकल बाजार बिल्कुल भी व्यापारीकरण से पटा हुआ है। इसीलिए आइए जरा खुद ही अपने हाथों से इस तरह के वेदना शामक दवाइयों का आप निर्माण करिए। बिल्कुल सिंपल और सहजता से तेल को निर्माण करके घर में रखिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, शरीर के किसी भी अंग में दर्द है तो उस दर्द की निवारण के लिए यह तेल आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, महानारायणी तेल तो हम इसको कह नहीं सकते, लेकिन महानारायणी के ही समान काम करने वाला ये तेल एपिलेप्सी के जो मरीज है उनके मस्तिष्क को मसाज करने के लिए, ओसीडी का जो मरीज है उसके हृदय में मसाज करने के लिए, जिनको हृदय से संबंधित परेशानी है उनके लिए भी, उनके चेस्ट में मसाज करने के लिए भी यह तेल बेहतरीन काम में आता है। एक्चुअली दर्द तभी होता है शरीर में जब उसके शरीर के उस हिस्से में कफ जो है जाकर के अटका हुआ रहता है। क्योंकि दर्द वैसे तो वायु के वजह से होता है, लेकिन कफ के कारण से वायु प्रकुपित हो जाती है और उसके फलस्वरूप उसके शरीर में दर्द होना शुरू होता है। तो आइए जरा इस तेल का निर्माण कैसे करें, किस तरह से तेल पाक की, क्या क्या इसकी विधि है, कौन कौन सी इसमें जड़ी बूटियां डाली जाती है, वो सभी चीजें मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं कैसे कैसे इस दवाइयों का तेल पाक विधि से इसको निर्माण किया जाता है। उसे भी आप जरा ध्यान से और बिल्कुल समझते हुए इसे आप देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो लकड़ी को काट करके हम जो यहाँ पर कुछ कर रहे हैं इसका नाम है पारिजात। आपके आसपास में कहीं पर भी पारिजात का पेड़ होगा उसके लकड़ी से छाल को उतारना है और उसके छाल को उतार करके आपने एक जगह में रखना है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं पारिजात के छाल है, उसके साथ साथ मोटे मोटे छाल और ये जो मैंने पारिजात के ही लकड़ी का हरा जो छाल छोटे छोटे वो मैंने यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे। दूसरे नंबर में आता है ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है महावला। इसमें सभी प्रकार के बला डाला जा सकता है। बला जो है महाबला है, अति बला है, ये सभी वेदना स्थापन करने के लिए, वेदना को प्रशमन करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये भी बला का ही एक प्रजाति, इसे हम बला के जानते हैं। तो यह जो फूल है इस फूल का नाम है दोस्तों वासा और ये सफेद फूल जो आप देख रहे नीला नीला सा इसका नाम है आंख का फूल। तो आंख के फूल, आंख के पत्ते और आंख के जड़ भी यहां चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं बहुत इस दवाई का महत्वपूर्ण एक हिस्सा जिसका नाम है धतूरा और मुझे यहां पर उपलब्ध हुआ नीला धतूरा। तो मैंने यहां धतूरे के बीज, उसके नीला फूल और उसके पत्ते और जड़ इन सभी को मैंने यहां पर डाला है। ये जो आप फूल देख रहे हैं यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत दुर्लभ वासा बोलते हैं इसको, रक्त वासा। अक्सर जो वासा है वो सफेद और पीला फूल वाला दिखाई देता है, कहीं कहीं काला फूल भी होता है, लेकिन यह वासा लाल वासा है। अभी जो आपको मैं पत्ता दिखा रहा हूं यह है विधारा और ये जो फूल है ये यहां पर उपलब्ध होने वाला लोकल है। ये भी लोग कफ समन के लिए प्रयोग करते, तो मैंने कहा उसको भी मैंने यहां डाल दिया। तो अब ये जो आप देख रहे हैं इसे हम सालमली वृक्ष का जो है कांटेदार जो एक वृक्ष जिसे साल वृक्ष बोलते हैं, सालमली भी बोलते हैं। तो इस दवाइयों का मुख्य जो घटक है वो है आपका
धतूरे का बीज और वो भी नीला धतूरा, यानी जिसे हम काला धतूरा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अभी आपने जो छोटा सा जड़ देखा, या हिरणखुरी का जड़ है, ये बेल जो है हिरणखुरी का है, और मोटा सा जो लकड़ी है वो आंक का लकड़ी है। तो इस तरह से सभी जड़ी बूटियों को हमने दरदरा कूटा है, कूट करके अब हम यहाँ पर तेल पाक विधि से इसको निर्माण करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से इसको आप देखिए, धतूरे का बीज ही इसके लिए पर्याप्त है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में धतूरे के बीज मिल जाता है तो कृपया आप सिर्फ धतूरे के बीज से भी इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगर कम मिलता है तो आपने फिर इन दूसरे जड़ी बूटियों को भी यहाँ पर डालना है। तो जितने भी वह जो जड़ी बूटी थे उन सभी के जड़, उसके पत्ते, उसके फूल, और कुछ किसी को पंचांग के रूप में लिया गया, किसी को फूल के फूल ही फूल, किसी के फल, ऐसा करके हमने यहाँ पर उन द्रव्यों का 16 गुना पानी को डाल करके इसमें इसको पकाया गया। जब इसको मैं पका रहा था तो रात हो गया था, पकते पकते ये जो आप देख रहे हैं ये रात्रि काल का समय है। इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जो जड़ी बूटी है उसके सफ़ेद सफ़ेद, उसकी जो झाग है, जो ताज़ा ताज़ा जो झाग है वो स्पष्ट नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा समय हो गया था रात में, मुझे लगा क्योंकि इसको पूरा इसको अब 16 गुना से नीचे 4 गुना तक इसको लाना था, यानी कि इस पानी के काफ़ी अंश, काफ़ी हिस्सा तो हमें इसको जलाना था। तो फिर मुझे लगा कि चलो अब रात बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने फिर रात में इसको बंद करके दूसरे दिन सुबह दोबारा इसको पकाना शुरू किया। ये देख पा रहे होंगे आप, रात क्योंकि मुझे लगा कि पूरा रात जगने से अच्छा है कि चलो इसको दूसरे दिन सुबह दोबारा इसको फिर ये देखिए जरा पकाना शुरू किया। चूंकि अब यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज शायद आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जिस बर्तन में इसको पकाया जा रहा है वो ताम्र यानी तांबे का बर्तन है। ये बहुत बड़ा तांबे का बर्तन हमारे घर में रखा हुआ था, तो तांबे का ये बिल्कुल, ये भी नेपाल का तांबा है। तो नेपाल के तांबे में पकाया हुआ जो ये दवाई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत कारगर काम करने वाला, ऐसा समझ करके मैं पहले तो लोहे में बनाने के लिए सोच रहा था, लेकिन चूंकि मैंने देखा तांबे का बर्तन अपने पास बहुत बड़ा पड़ा हुआ है तो फिर मैंने यहाँ पर तांबे का बर्तन ले लिया। आपके सामने यह जो आपने भी उन सभी जड़ी बूटियों को आपने उसमें धतूरे के बीज जरूर डालना है, आंख के जड़ जरूर डालना है, आंख के फूल जरूर डालना है। ये तीन चीज हो तो अकेले इन तीन चीज से भी आप इस दवाई को बना सकते हैं, यदि आपके पास कोई दूसरे जड़ी बूटी नहीं भी हो तो भी यहां चल जाएगा। चौथाई गुना अवशेष रहने पर सभी जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से पीस करके कपड़े से दो तीन बार छान करके ये जो आप देख पा रहे हैं उन तमाम दवाइयों का चार गुना अवशेष को दोबारा छान के उसी बर्तन में डाल करके अब फिर दोबारा यहाँ पर तेल डालने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ये वो दवाई है जिसको इससे पहले हम उबाल रहे थे, पका रहे थे। दोस्तों यहाँ जितना उस जड़ी बूटी का चतुर्थ गुना स्वरस बचा हुआ था उतने ही मात्रा में हमें यहाँ पर गोमूत्र डालना है। यह जो गोमूत्र है बिल्कुल ताज़ा ताज़ा यहाँ पर हमने, हमारे यहाँ पर गाय थी तो गाय चूंकि दिन में गोमूत्र तो दे नहीं रही थी तो हम लोगों ने, हमें यहाँ बताया गया भाई नमक दे दो, तो नमक चटाते ही गाय ने अपना पेशाब देना शुरू किया। तो उसी वक्त अब ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 लीटर विशुद्ध तिल का तेल जो नेपाल में ही बना हुआ था इसको हमने डाला है। तो यहाँ पर चौथाई गुना अवशेष उन जड़ी बूटियों का स्वरस जो उबलते उबलते 4 गुना तक अवशेष रह गया था 16 गुना से, उसको हमने निचोड़ करके
उसको कपड़े से छान करके उस रस को इस बर्तन में डाला। उसके बाद जितना वो रस था उतना ही हमने गोमूत्र डाला। उसके बाद वहां पर हमने 2 लीटर तेल को डाला है। तो ऐसा करके जो आप देख पा रहे बर्तन में, यहां पर उन जड़ी बूटियों का चतुर्थांश स्वरस, गोमूत्र और उसके बाद 3 का तेल, ये जो आप देख पा रहे हैं, यह 3 चीज को डाल करके यहां पर इसको पकाया जा रहा है। बिल्कुल लकड़ी जो है यह लकड़ी से पकाया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि यह ताम्र बर्तन में इसका पाक हो रहा है। तो तांवा जो होता है, उस तांवे में भी जो शरीर के लिए जो एक प्रकार का रसायन पैदा करने वाली जो एक विशेष गुण है, वो गुण भी अब आधान होगा इस तेल में। क्योंकि इसमें गोमूत्र है और गोमूत्र में एक विशेष यह कैपेसिटी होता है कि गोमूत्र जो है वो लेखनीय द्रव्य है, गोमूत्र तो उसको खींचेगा, अवशोषण करेगा। तो गोमूत्र डालते ही वो तांबे का कुछ अंश अपने में शोषण करेगा। आप देख पा रहे हैं उसको भी अब हमने इन दवाइयों को भी, जड़ी बूटी का चतुर्थांश अवशेष स्वरस, गोमूत्र और तिल का तेल डाल करके अब यहाँ हो रहा है विशेष विधि से पाक। इसे आप भी अपने घर में आसानी से कर सकते हैं, इसको बनाने में कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं पर भी। जैसे जैसे किया जा रहा है उसको आप देखते रहिए। अब यहाँ पर हम ये जब ये पाक होगा और कम से कम थोड़ा सा ही बचे, तो यहाँ पर हमने प्रक्षेप द्रव्य डालना है। प्रक्षेप द्रव्य प्रारंभ में ही भी डाला जा सकता है, यानी कि जब हम गोमूत्र और तेल डालेंगे उसी वक्त भी हम यहाँ पर प्रक्षेप द्रव्य डाल सकते हैं। लेकिन उस समय क्योंकि मेरा प्रक्षेप द्रव्य जो है पाउडर फॉर्म में तैयार नहीं हो रहा था, उसको मैं अलग ही, तो यहाँ आकर के अब मेरा प्रक्षेप द्रव्य जो ऊपर से जिसे डाला जाना चाहिए उसे तैयार किया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि वह तेल जिसको हम अब यहाँ हमने, आप देख रहे होंगे हमारा जो आग का जो फ्लो है बिल्कुल मंद है, बिल्कुल धीमा है। ज़्यादा आग अगर आप यहाँ रखोगे, आग का फ्लो ज़्यादा होगा तो आपका तेल जल जाएगा। ये देखिए ज़रा प्रक्षेप द्रव्य यहाँ डाला जा रहा है। इस प्रक्षेप द्रव्य में हमने, प्रक्षेप द्रव्य के रूप में यहाँ हम जायफल, तगर, ज्योतिषमती, बच, और चूंकि इस एरिया में अकरकरा बहुत, अकरकरा मतलब जो देसी अकरकरा है, ईरानी अकरकरा नहीं, बल्कि यहाँ पर सफ़ेद फूल वाला और पीला फूल वाला एक लोकल यानी देसी अकरकरा है, उसमें भी वही ईरानी अकरकरा जैसे ही कुछ एस्ट्रेक उसमें भी है, वही गुण और वही पावर है। उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, तो थोड़ा बहुत है जानकर के मैं कहा चलो अकरकरा भी वेदना में यानी कि कफ शामक है और गर्म है ये, है ना, ब्लड को एकदम पतला करता है, बच भी अच्छा दवाई है। तो ये समझ करके जायफल, तगर, ज्योतिषमती, बच और अकरकरा, इनके हमने यहाँ प्रक्षेप द्रव्य के रूप में पाउडर बना करके यहाँ हमने इसको डाला है। और आप देख पा रहे हैं कि उन सभी प्रक्षेप द्रव्यों को डाल करके तेल जो 2 लीटर था उबलते उबलते यहाँ तक आ गया। और ये देखिए बिल्कुल तेल सिद्ध होने वाला है। अब चाहे आप घृत पाक करिए, चाहे आप तेल का निर्माण करिए, इसको देखने की विधि आपके लिए जानना जरूरी है कि आपका घी या तेल शुद्ध हुआ कि नहीं, यानी तैयार हुआ कि नहीं। इस तरह से एक बूंद आप लकड़ी में डालिए, जो अंगार है, कोयला है, आग है, उसमें डालने से अगर यहाँ चट चट करके आवाज आता है तो समझ लीजिए कि अभी आपका दवाई है तैयार नहीं हुआ। लेकिन आप यहाँ देखिए धुआं आ रहा है बट कोई भी आवाज नहीं आ रहा है चट चट करके, इसका मतलब है हमारा तेल यहाँ पर सिद्ध हो गया, यानी तैयार हो चुका है। इस दवाई को, यह जो तेल है, इसको बनाने में हमें लगभग 3 दिन का 4 दिन का वक्त लगा। पहले 2 दिन तो हमें जड़ी बूटी कलेक्शन करने में लगा और 2 दिन हमें इसको पकाने में लगा। और यहाँ पर इसको पकाने में भी लकड़ी बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन
आप देख पा रहे हैं दवाई बहुत बढ़िया तरीका से एक विशेष विधि से हमने इसको निर्माण किया है, ताकि आप भी अपने घर में रह करके इस बेहतरीन और विशेष वेदना शामक तेल का निर्माण करके अपने घर के माँ बाप, बूढ़े माँ बाप और अपने रोगियों की सेवा कर सके। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और सदा देखते रहिए धर्म संदेश, और लोगों की खूब इस तेल के माध्यम से सेवा करिए। मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।